वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को भी पहलवानों के साथ बैठक की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। शुक्रवार का दिन बैठकों के नाम रहा। सुबह जब रात भर 4 घंटे बैठक हुई, बेनतीजा रही, तो सुबह डीजी साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिले इन खिलाड़ियों से। उनसे बोला कि देखिए, हम कमेटी की बात कर रहे हैं, आप कमेटी पर आइए, कमेटी के पटल पर आके अपनी बात रखिए, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उनको भी लाइए कमेटी के सामने, वो भी बात रखें, तब कहीं जाकर के जब कोई एविडेंस होगा, उनके पास सबूत होगा, तब कहीं जाकर के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बृजभूषण शरण सिंह को हटने के लिए कहेगा। इसके बाद खिलाड़ियों ने भी रुख नरम किया। बृजभूषण शरण सिंह को भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन आते जाते ये रिमार्क कर गए कि उनको किसी की दया से नहीं बने हैं, खुद लोगों ने चुनकर उनको बनाया है। तो तमाम बातें बृजभूषण शरण सिंह करते रहे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाने की ताकत लीगल तौर पर देखें, वैधानिक तौर पर तो मंत्रालय के पास शक्ति नहीं है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो भी एक कमिटी, एडहॉक कमिटी बना सकता है, इस्तीफा वो भी नहीं ले सकता है, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कमिटी बना दी है, मैरी कॉम अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर के घर भी घंटों इन खिलाड़ियों की बैठक चलती रही। अनुराग ठाकुर समझाते रहे इन खिलाड़ियों को कि जो सरकार है, जो मंत्रालय है, वो इनके साथ हैं, इनकी जो मांगे हैं उनसे सहानुभूतिपूर्वक उन पर चर्चा के लिए, और जो बदलाव चाहते हैं कोचेस को लेकर के जो समस्या है, जो फिजियो को लेकर समस्या है, उन सब समस्याओं का समाधान के लिए तैयार हैं। तो कहा जाए, कोशिश रही है कि जो 3 दिन से डेडलॉक चल रहा था, वो लग रहा है कि कुछ सुलझ सकता है, क्योंकि मैरी कॉम अब उस कमेटी की हेड है, उस कमेटी के सामने विनेश फोगाट कह रही हैं कि जो जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उनको अभी तक पब्लिक नहीं किया, उनको सामने नहीं लाए, लेकिन उस कमेटी के सामने जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उनको सामने लाएंगे, कमेटी के सामने बयान देंगे, और कमेटी में जो भी कहना हो कमेटी के सामने कहेंगे। तो फिलहाल लग रहा है कि जो 3 दिन से डेडलॉक चल रहा था वो सुलझ सकता है। अनुराग ठाकुर के सामने एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ रेसलर्स भी अभी तक मुड़ने को तैयार, झुकने को तैयार नहीं थे, इस्तीफे से नीचे कुछ मांग नहीं कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह की। उधर बृजभूषण शरण सिंह भी गोंडा, जो अपना उनका गृह जनपद है, वहाँ चले गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज दे दिया कि खुलासा करेंगे, राजनीतिक साजिश की बात करेंगे, लेकिन उनको भी चुप कराया गया। लेकिन आते जाते बृजभूषण शरण सिंह भी कह गए कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन शाम को उनके बेटे प्रतीक का शरण सिंह ने आकर के बताया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जो कहना होगा, जो 22 तारीख को बैठक बुलाई है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उसमें बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात करेंगे। तो थोड़ा अब खिलाड़ी भी झुके हैं, बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपने तेवर नर्म किए हैं, और जो मंत्रालय है वो भी सोच रहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जरिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के जरिए इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। अपने सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी।